उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जिले में तबाही मची हुई है। बाढ़ और जलभराव से 5 दर्जन गांव इस वक्त मुसीबत में है। बाढ़ का पानी सड़कों पर आ जाने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। बाढ़ का पानी खेतों में घुसा है। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। यह पानी फसल से ऊपर चल रहा है। घर में भी पानी घुस चुका है। बैठने की कहीं जगह नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था कम हो चुकी है और इसलिए हम लोग सब भाग भाग बाहर निकल चुके हैं क्योंकि बहुत दिक्कत है। राप्ती नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी, और अभी जो राप्ती नदी का जल का स्तर जो बढ़कर है 105.35 करीब पहुंच गया है, और जिस तरह से बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है और जिस तरह से बारिश हो रही है तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये जलस्तर जो है और जो हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल है उसको भी पार कर सकता है। तो उसी के बचाव और राहत कार्यों को देखने के लिए मैं और SP साहब निकले हैं मौके पर।